आप देख रहे हैं जयवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के संरक्षण के लिए प्रशासन द्वारा वेटलैंड सेलिब्रेशन के तहत आइकॉनिक सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत रविवार को कस्बे स्थित ललित प्लेस भवन में विधिवत रूप से समारोह का समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति भामाशाह मदनलाल साबू ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध सांभर झील का इतिहास बहुत पुराना है। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। पूर्व में इस झील की सफाई के लिए मालानी परिवार के सानिध्य में कार्य किया जाता था। उस समय झील को स्वच्छ रखने के लिए आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को समझाया जाता था कि वो झील की सुंदरता को बरकरार रख सके। कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए वन विभाग के DCF ज्ञानचंद गुर्जर ने बताया कि आइकॉनिक सप्ताह के तहत सभी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि वेटलैंड मित्रों एवं आमजन की सहभागिता के बिना झील का संरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए हमें अब एकजुट होकर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना होगा। कार्यक्रम संयोजक उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने आइकॉनिक सप्ताह के हुए कार्यक्रमों के बारे में सभी उपस्थित जनों को संक्षिप्त रूप में अवगत कराया और इस सप्ताह में होने वाले महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि माधव प्रसाद धूत एवं विजय कुमार शर्मा ने बताया कि झील के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमें हमारी सोच को बदलनी होगी। इसके लिए जनता को झील स्वच्छ रखने एवं अपशिष्ट को झील क्षेत्र में नहीं डालने के लिए रोकना होगा, इसके लिए उनको जागरूक करना हमारा दायित्व बनता है। कार्यक्रम में आइकॉनिक सप्ताह में विद्यालय की ओर से निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा इस सप्ताह में विशिष्ट कार्य करने वालों को भी पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार में प्रशंसा पत्र सहित अन्य सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शाला प्रधान दीपक गोड़ एवं अध्यापक महेंद्र यादव को भी प्रशंसा पत्र दिया गया। नवा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।